नमस्कार दोस्तों, एस के एक्सीलेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली अभ्यास जो है 15 देखेंगे। जो बेसिक पहले बताते हैं, उसके बाद से कुछ सवाल इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक में जो समझ लीजिए कि बेसिक में है क्या चीज़। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है संभावनाएं। प्रोबाबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं, यानी किसी घटना के घटित होने की कितनी संभावनाएं हैं, यही है प्रायिकता, ठीक है ना। और प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है पी ई बराबर संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। अब ये संभावित परिणाम क्या होता है और कुल परिणाम क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक सिक्के को अगर उछाला जाता है एक बार, तो क्या संभावना है और कितनी संभावना है? तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो एक परिणाम जरूर प्राप्त होगा, क्या? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, ये ना हो सकता है, नहीं तो टेल टेल आएगा, मतलब एक घटना जरूर घटेगी। तो एक घटना की संभावना है तो एक होगा संभावित परिणाम, ठीक है। और कुल परिणाम क्या होगा? कि कुल परिणाम ये होंगे कि इसमें दो परिणाम घटना, दो ही घटना घटित होंगे। इस सिक्के को अगर उछाला जाता है तो दो घटना घटित होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। एक बार में या तो कभी हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यानी कि दो ही संभावनाएं हैं, तो कुल परिणाम होंगे दो, ठीक है। तो अगर मान लो कि सिक्के का जो है, हम लोग को एक बार हेड आने की प्रायिकता, मतलब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या लिख सकते हैं? एक बटे दो। या टेल आने की प्रायिकता क्या लिख सकते हैं? एक बटे दो, ठीक है। मतलब एक घटना जरूर संभावित है और कुल घटनाएँ कितनी हैं? दो, ठीक है। या एक पासे को लेकर समझते हैं हम लोग। मान लीजिए पासे पे छः गोटियाँ होती हैं ना, पासे का मतलब लूडो छक्का, तो एक से लेकर छः नंबर होते हैं। अब एक पासे को अगर एक बार फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? दो आने की प्रायिकता एक होगी ना, मैंने एक बार जरूर दो आएगा, तो एक बटे, और कुल परिणाम कितने होंगे? छः, तो एक बटे छः। दो आने की प्रायिकता क्या होगी? एक बटे छः, ठीक है। और कहा जाए कि चार से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो चार से कम देख लीजिए, एक दो तीन, तीन, तो तीन बटे छः। चार से कम आने की प्रायिकता क्या होगी? तीन बटे छः, ठीक है। कहा जाए कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो दो चार छः, कितने सम संख्या है? तीन, तो तीन जो है सम संख्या आने की प्रायिकता है, तो तीन बटे छः हो जाएगी इसकी प्रायिकता, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रायिकता याद कर लेते हैं, ठीक है। प्रायिकता के बारे में एक दो कथन और भी हैं, कह रहा है प्रायिकता। अब देखिए, संभावित घटनाएं और असंभावित घटनाएं क्या होती है? तो यदि किसी संभावित घटनाएं, संभावित घटना का मतलब होता है कि किसी घटना में, मैंने किसी घटना में घटना घटने की जो चांसेस जरूर है, किसी घटना में मतलब कोई घटना बताया जाए तो उसमें उस चीज़ को होने की जो है प्रायिकता अधिक है, या जरूर उसमें से एक घटना घट ही सकती है, तो उसको संभावित परिणाम कहते हैं। जैसे कि एक सिक्के को उछाला जाए तो जो है हेड या टेल आने की जो है संभावना जरूर है कि नहीं है, कि एक बार हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है, ठीक है। तो इसको कहेंगे संभावित परिणाम, संभावित परिणाम की जरूर एक ना एक जो घटना जरूर घटेगी, तो ये होगा संभावित परिणाम, ठीक है। असंभावित परिणाम क्या होगा? असंभावित परिणाम का मतलब कि घटना नहीं भी घट सकता है, ठीक है। जैसे एक सिक्के को उछाला जाता है तो सिक्का खड़ा होने की जो प्रायिकता क्या होगी? सिक्का खड़ा हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? असंभावित हो सकती है। इसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? असंभावित हो सकती है, संभव नहीं है, असंभावी है, तो असंभावी घटना हो जाएगी,
ठीक है, ये हो गया असंभावित घटना। ठीक है, उसके बाद से कुछ कहा गया इसके बारे में कि प्रायिकता हमेशा जो है क्या होता है, प्रायिकता 0 से बड़ी होती है, प्रायिकता 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है। ठीक है, और जो है क्या होगी, 1 से हमेशा जो है क्या होगी, छोटी होगी। प्रायिकता जो है 1 से हमेशा छोटी होगी और 0 से बड़ी हो सकती है। ऋणात्मक जो है प्रायिकता नहीं होगा, प्रायिकता जो है ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना, ऋणात्मक होगा तो 0 से छोटा हो जाएगा, तो इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकता प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता कभी भी 1 से छोटी रहेगी और 0 से बड़ी होगी। इन दोनों के बीच में अगर आता है तब तो समझिए प्रायिकता हम सही निकाले हैं, नहीं तो प्रायिकता गलत है। ठीक है, उसके बाद से ये कथन है या सूत्र समझ लीजिए कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता तथा घटित न होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और न घटित होने की प्रायिकता जो है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये है घटना घटित होने की प्रायिकता और ये है घटना न घटित होने की प्रायिकता, बराबर 1। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक, अब हेड आने की प्रायिकता हम लोगों ने निकाला 1/2, यानी कि हेड आने की प्रायिकता निकल गया प्रायिकता, अब यहाँ हेड आने की प्रायिकता हो गया 1/2। ठीक, तो अब हेड न आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब नहीं आने की प्रायिकता निकालना हम लोग को, तो यहाँ भर देंगे आने की प्रायिकता, 1/2 आने की प्रायिकता हो गई, और नहीं आने की प्रायिकता हम लोग को निकालना है, तो इसको ज्यों कहते हो रहने देंगे। इस पे बार है, बार का मतलब है कि नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, बराबर लिख देंगे 1। ठीक है, बराबर लिख देंगे 1। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो पी ई डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, अब इसको इधर लाएंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा। तो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, भाई 2 का 1 में गुणा करेंगे 1 घटा देंगे तो 1/2 होगा ना। ठीक है, तो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। तो इस प्रकार यदि हम लोगों को किसी घटना के घटित होने का अगर पता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 माने कुछ है, तो न होने की प्रायिकता हम लोग क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे, तो न होने की प्रायिकता निकल जाएगी। माने घटना घटित होने की प्रायिकता अगर पता है तो 1 में से अगर घटा दिया जाए 1 में से, तो न होने की प्रायिकता निकल जाएगी, या न होने की प्रायिकता पता है तो 1 में से घटा दिया जाएगा तो होने की प्रायिकता निकल जाएगी। ठीक है ना, इसको बताने का यही हमारा पर्पज है। ठीक है, उसके बाद से अब जो घटना नहीं घटित हो सकता उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। जो घटना घटित नहीं हो सकता उसकी प्रायिकता जो है क्या होती है, 0 होती है। जो घटना घटित नहीं हो सकता उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक कथन ये भी है कि सभी जो है प्रायिकताओं का योग जो है क्या होता है, 1 होता है। सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, जिसको दिखाते हैं PS, समस्त प्रायिकताओं का योग किसके बराबर होता है, 1 होता है। ठीक है ना, कैसे होता है सभी प्रायिकताओं का योग 1, देखिए अगर एक सिक्के को हम लोग एक बार उछालते हैं तो एक बार या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसकी प्रायिकता जो है 1/2 हो जाएगी। ठीक, फिर एक बार अगर उछालते हैं तो हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी, और इसको जोड़ा जाए तो जो है क्या होगा, 1 होगा। मैंने मान लीजिए कि इसकी जो है 2 प्रायिकता निकाला गया है, और इस प्रायिकता को अगर जोड़ा जाए तो उसका मान 1 आएगा, कहने का मतलब ये है। जोड़ लीजिए तो हर बराबर है तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, बराबर 1। ठीक है, तो कोई भी प्रायिकता, जितने भी प्रायिकता हो और उनको जोड़ा जाए ना, तो उसकी जो है क्या होगी, सबका योग जो है 1 के बराबर होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि एक झोला में 3 जो है गेंदे हैं, एक झोला में 3 गेंदे हैं। ठीक है, एक हरा है,
एक हरा है, एक पीला है और एक लाल है। तो कहा जाए कि जो अच्छी तरह से इसको मिला लिया गया और आँख मूंद के और एक गेंद निकाला जाए, एक गेंद, तो हरा आने की प्रायिकता क्या होगी? हरा आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पी हरा आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? 1/3। कुल परिणाम 3 होंगे और उनमें से एक हरा आने की प्रायिकता अकेले हरा है तो 1/3 होगा, ठीक है। इसी तरह से पीला आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पी और पीला ऐसे लिखेंगे, प्रायिकता पी पीला बराबर क्या? 1/3 होगा, ठीक है। और लाल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पी रेड, पी लाल बराबर जो क्या हो जाएगा? 1/3 होगा, ठीक है। क्योंकि एक एक है तो एक घटना जो जरूर आएगा, संभावित परिणाम एक जरूर आएगा, ठीक है। तो अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो इसका टोटल का मान क्या होगा? 3/3 बराबर 1, ठीक है। तो यानी कि प्रायिकता जितना हो भी हो, अगर उसको जोड़ा जाएगा तो उसका मान जो है क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है। तो बेसिक में इतना ही था, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं।